22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसकी तैयारियां उत्तराखंड में भी चल रही हैं। सीएम धामी ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। सबसे खास बात है कि उत्तराखंड के 258 लोगों को न्योता दिया गया है, जिसमें भाजपा के कई नेता भी शामिल हैं। रामलला के विराजमान होने पर राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गोरेला का कहना है कि 500 साल के लंबे संघर्ष और लाखों लोगों के त्याग बलिदान के साथ लाखों संतों नागरिकों के योगदान के बाद ये पल आया है, जिसका पूरा देश की जनता इंतजार कर रही है। ज्योति प्रसाद गौरेला ने कहा कि हम सबकी इच्छा है कि हम भी वहां जाएं, लेकिन वहां एक लिमिट है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 500 साल का लंबा संघर्ष, लाखों लोगों का त्याग बलिदान, लाखों नागरिकों का, संतों का इसमें योगदान, और उसके बाद अंततः शुभ अवसर 140 करोड़ भारतवासियों को देखने को मिल रहा है। हम सब गर्वित हैं कि हमारे जीवन काल में हमको ये अवसर देखने को मिला है कि 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजित होने वाले हैं एक भव्य दिव्य मंदिर में। इसके प्रति लोगों में अपार उत्साह, अक्षत वितरण के कार्यक्रम देश भर में कोने कोने में, महिलाएं स्वयं की प्रेरणा से सब कार्यक्रमों में जुटी हुई है। मंदिरों में राम के भजन, राम रक्षा स्तोत्र, सुंदरकांड के आयोजन हो रहे हैं, अखंड रामायण के पाठ हो रहे हैं, भव्य शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं।